मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज 2 तारीख है और दोनों शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। मैंने कई सारे बच्चों से बात करी और जानने का प्रयास किया कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है और आपकी चीज़ें क्या बदलाव हुआ है। 1 तारीख से 2 तारीख तक कुछ बदलाव हुआ क्या पेपर में? क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत संक्षिप्त में रिव्यू में लेके आया हूँ। उन प्रश्नों को बताना या वो चीज़ें मैं आपके साथ मुनासिब नहीं समझता हूँ कि सारे प्रश्न आपको बताया जाए कौन कौन से प्रश्न आए थे। हाँ, टाइप बता सकता हूँ किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा आवश्यक हैं। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर कैसा आया आज की भी बात अगर मैं करूँ दोनों शिफ्टों की, तो आपको पता होगा हिंदी में साहित्य वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। चार से पांच प्रश्न आप मान के चलिए यहाँ से बन रहे हैं। उसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द बहुत सब आ रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। रचना वगैरह आ रही हैं, रचनाएं भी आपको देखना, हिंदी साहित्य का पोर्शन है। उसके अलावा हिंदी साहित्य में ही आपके आते हैं जो पुरस्कार आ रहे हैं, भारत भारती पुरस्कार हो गया या ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो गया, वो जो भी आपके पुरस्कार वगैरह हैं वो आ रहे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं हिंदी से जो हिंदी का विकास वगैरह जो प्रश्न है वहाँ से आ रहे हैं, गद्यांश ठीक ठाक आ रहा है। हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। केवल और केवल अगर समस्या आ रही है, मैं जीएस का पोर्शन थोड़ा सा लगातार लड़के इस बात पे कह रहे हैं कि जीएस का पोर्शन थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा मॉडरेट लेवल आ रहा है जीएस का। जीएस को लेकर आज भी बच्चे मतलब जो बता रहे थे कि कोई चीज़ें नहीं है, कुछ तिथियां वगैरह पूछी जा रही हैं आपसे। फिजिक्स पे मैन फोकस मैं पहले से कहता आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, आप फिजिक्स से आप फोकस करिए। फिजिक्स आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। अभी तक आपने तैयार नहीं करी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही लगभग 18 क्लासेस फिजिक्स की पड़ी हुई हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए लगभग सफिशियंट हैं। अगर आप उनको देख लेते हो, कई सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर मैंने आपके वीडियो देख के गया था, किसी के 13% सही हुए हैं, किसी के 15% सही हुए हैं, लड़के ऐसा बता रहे थे। 13 से 15% 16% तक के बच्चों ने बोला है कि इतने सही हुए हैं। तो जो वीडियो पड़े हुए हैं आप देख लीजिए, उसमें थ्योरी भी दी गई है और उसमें सूत्र वगैरह बहुत अच्छे से बताए गए हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जहाँ से लगातार सवाल आ रहे हैं, उनको आप देख के रखना है। कुछ सूत्र हैं जैसे F = ma, ये बल का सूत्र होता है, या W = FD, FD cos θ, इससे, या जो वर्क और समय का दिया गया उससे, कुछ मात्रक आ रहे हैं उनको पढ़ लीजिए। 1 से 2% सदिश या अदिश राशियों से आ रहे हैं वो पढ़ लीजिए। यदि आप जीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब भी आप इतना अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतिहास भूगोल बहुत कम आ रही है और जो आ रहे हैं प्रश्न वो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि या तो सबके हो जाएंगे या फिर किसी के नहीं होंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, 1-2% आ रहे हैं तो बहुत नॉर्मल से आ रहे हैं। पुलिस अधिनियम आप पढ़ लीजिए, वहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। पुलिस अधिनियम 1861 आप भी पढ़ लीजिए। कुछ IPC की धाराएं जो कॉमन धाराएं हैं, या आपके में आया था पहले जो BNA भारतीय दंड संहिता जो था उसको BDS, उसको अब BNS कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो इससे कुछ प्रश्न ऐसे बेसिक प्रश्न आ रहे हैं, करंट आ रही है तो वो इस तरीके की बहुत ज़्यादा वैसा नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए करंट और उस पर, ज़्यादा जो जितना समय आपके पास यदि है, पेपर आपका 7 या 8 तारीख में है, तो सबसे ज़्यादा आप जो फोकस करिए वो भौतिक विज्ञान पर प्रयास करिए। आपको कहीं से कोई कंटेंट मिल जाए, फर्स्ट ईयर की बुक देख लीजिए, आप कहीं नहीं मिल रहा हो तो मेरे चैनल पे आप गुरुकुल आनंद अकेडमी के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर रेडियो ऑपरेटर नाम से एक सेक्शन होगा, उसमें फिजिक्स के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप वहाँ से उन 17-18 क्लासेस को भी आप देख लेते हैं तो पेपर आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, जो टॉपिक आपके हैं मोस्टली आपके कवर हुए हैं, कुछ टॉपिक उसमें रह गए थे, तो आप यदि उतना भी करते हो तो 12-13% आपके बन रहे हैं। ये बच्चों की तरफ से ही रिव्यू आए हुए हैं, मैं मतलब इसमें कुछ अलग से नहीं कह रहा हूँ। और मेन चीज़ ये है, मैथ रीजनिंग में कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। कई बच्चों से मेरी बात हुई, समय कम पड़ जा रहा है, हकीकत है वो। समय कम पड़ने का कारण यही है कि मैथ या रीजनिंग के कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं 3 से 5% दोनों में मिला के,
जो आपका टाइम खराब करने के लिए आ रहे हैं, जो पर्सन टाइम खराब करने के लिए ही आ रहे हैं, यदि आप उनसे उलझोगे तो आपका मैनेजमेंट जो है एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा और आप जो है फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो इन प्रश्नों से शुरुआत में बचने का प्रयास करें और लास्ट में जब समय आपके पास बचता है प्रयास ये करिए कि 2 घंटे में आप पूरा पेपर देख लें। बाद में 30 मिनट जो प्रश्न आपको नहीं आ जा रहा है उनको स्किप करते जाइए, उनको मार्क फॉर रिव्यू करते जाइए और इन प्रश्नों को आप बाद में देख लें तो आप इनको आराम से तोड़ पाएंगे। यदि आपने शुरुआत में ही समय खराब कर दिया किसी प्रश्न में, आधा घंटा 10-15 मिनट दे दिए, 5 मिनट भी दे दोगे तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए होंगे, एक बात और बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, जैसे पैसेज पढ़ रहे होते हो ना, तो पैसेज पढ़ते समय वहाँ पे आप देखोगे 3 ऐसे A वर्ब बने हुए हैं, जैसे आप एमएस ऑफिस चलाते हो तो वहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है, एक ए छोटा सा बना हुआ है और उस पर एरो ऐसे है, ठीक है, और एक ए इधर ऐसे बना हुआ है, इस पर एरो ऐसे है। तो बच्चे जो है क्या करते हैं, बार बार स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे पढ़ते रहते हैं। आपको जिस प्रश्न में जूम इन जूम आउट होगा, ये जो दिया गया है ये जूम इन और जूम आउट के लिए दिया गया है, ये पेपर का नॉर्मल फॉन्ट है। अगर आपका गद्यांश दिया गया है आप सेट करना चाहो तो एक में ही सेट हो जाएगा। सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है या बड़ा प्रश्न है जो स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, आप उसे अगर यहाँ से छोटा करना शुरू करोगे, इस पर क्लिक करोगे, वो छोटा हो जाएगा और छोटा होने के बाद क्या होगा, आप उसको यहीं से आप एक ही स्टेप में उसको सेट कर सकते हो प्रश्न को, ठीक है ना। यह प्रश्न छोटा दिया गया तो आप यहाँ से जूम आउट कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो। तो इन चीज़ों से आप अपना समय बचा सकते हो और प्रयास करें कि ये कर लो, क्योंकि जूम इन जूम आउट बार बार स्क्रॉल डाउन करने से या पैसेज आप पढ़ रहे हो और पैसेज में समय ज़्यादा लगता है, तो इन चीज़ों से बचें कृपया और इनका थोड़ा स्मार्ट टेक्निक जो दी गई है उस पर वो देखें। दूसरा बात, आपने देखा होगा प्रश्न पहले ऐसे 1, 2, 3 विकल्प दिए गए हैं या ABCD विकल्प दिए गए, उसके बाद फिर नीचे एक पट्टी में इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे विकल्प दिए गए, पहले का दूसरा दूसरे का दूसरा ये दिया गया, तो 2 तरीके से आप यहाँ पे टिक होना है, इन पे सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखें, टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बचाना है, कि 1 सेकेंड भी आप बचाओगे तो बहुत काम आएगा। 160 प्रश्न है, आपने 2-2 सेकेंड बचाया तो पर्याप्त समय बचेगा, लास्ट में आप 2 प्रश्न हल कर सकते हो उतने में। तो इन चीज़ों से बचे एकदम और पेपर तनाव मुक्त होकर देकर देने जाएं, एकदम किसी भी प्रकार का तनाव लेकर ना जाएं। अब यदि पेपर आपका कल 3 तारीख को है या अगले दिन है 3 तारीख को है तो एकदम तनाव ना लें, बिल्कुल तनाव रहित होकर पेपर देने जाएं। अभी तक यदि कुछ आपका नहीं बिगड़ा है, अब आप एक दिन पढ़ के कुछ बना नहीं सकते हो, बशर्ते बिगाड़ जरूर सकते हो। हाँ, ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि पुलिस अधिनियम एक्ट 1861 आप अवश्य पढ़ लें। कल के बाद पेपर जिनका 4 या 5 दिन पेपर है वो लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है, आप लोग अभी एक दिन पढ़ाई कर सकते हो और एक दिन आप पढ़ना है, 1 दिन 2 दिन तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। कहीं से आपको कंटेंट नहीं मिला हो बिल्कुल परेशान ना हो, पेपर देने के बाद आप मुझसे रिव्यू कर लेना, आके आप मुझे कमेंट कर सकते हो यदि ना फंसे तो, भाई इस वीडियो में आप कर देना शिकायत की नहीं। ये 18 वीडियो जो पड़ी हुई हैं 17-18 क्लासेज आप इनको देख लीजिए, आपका पेपर अच्छे से बन जाएगा, इनमें से पर्याप्त क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से लेबल का रजिस्टर ने बहुत ध्यान रखा है और ये बच्चे ही बता रहे थे, कई सारे बच्चों के मैसेज में आपको स्क्रीनशॉट में शेयर करूँगा। तो ठीक है, यही पेपर का फटाफट रिव्यू करना था, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको बता दिए जिस टाइप से आ रहे हैं, नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं, 2-3-4 प्रश्नों में उलझना नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइए और मेरी शुभकामनाएं आप सबको जिनके भी पेपर कल या परसों में है। बाकी शाम को मैं फिर आपको साथ साझा मिलूंगा और फिर से आपको शॉर्ट रिव्यू देने का प्रयास करूंगा, जो शॉर्ट एनालिसिस पेपर का। थैंक